गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि हम त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं। कल मैंने कुछ स्टूडेंट्स को डायग्राम्स दिए थे कि हमें परिमाप निकालना है, बट मुझे डाउट्स आए हैं कि दीदी इसको गुणा करना है या भाग करना है और या प्लस करना है, तो बच्चों को काफी कन्फ्यूजन है। सो आज मैं आप लोगों को ये डाउट क्लियर करने जा रही हूँ। त्रिभुज का परिमाप, पहले तो त्रिभुज होता क्या है? त्रिभुज एक ऐसी आकृति है जिसमें तीन भुजाएं होती हैं और तीन ही कोण होते हैं। ये है त्रिभुज को पहचानने का तरीका कि हम त्रिभुज को कैसे पहचानते हैं और फिर उसका परिमाप कैसे ज्ञात करना है। परिमाप निकालने के लिए हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप चाहिए होता है। जैसे मैंने पहली भुजा ए बी का माप लिया है 4 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा बी सी का माप लिया है 2 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा सी ए का माप लिया है 3 सेंटीमीटर। अब इन तीनों का ये फॉर्मूला है इसका परिमाप निकालने का, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ए बी का मतलब पहली भुजा ए बी और बी सी का मतलब दूसरी भुजा बी सी और तीसरी सी ए, ठीक है। इन तीनों का जो माप है उसको प्लस करना है और उसको प्लस करने के बाद हमें जो ज्ञात होगा वो होगा त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। मैंने यहाँ पे 4 को 3 को और 2 को प्लस किया तो यह है 9 सेंटीमीटर और ये है आपका त्रिभुज का परिमाप।